नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका बीएससी इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में। स्टार्ट करते हैं हम आज की करंट अफेयर्स 5 जून 2023 की। आज के क्वेश्चन में बहुत मजा आने वाला है हमें। करंट के क्वेश्चन के साथ साथ आज हम जिनसे संबंधित फैक्ट रहेंगे, हिस्टोरिकल फैक्ट जो रहेंगे, ऐतिहासिक जो भी क्वेश्चन रहेंगे उन्हें भी हम देखेंगे। आप सबको आंसर देना है इसमें, देखते हैं कि क्वेश्चन करके हम। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय रामायण महोत्सव कहाँ संपन्न हुआ? ठीक है ना, नेशनल रामायण फेस्टिवल कहाँ पर हुआ? उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल्ली, मध्य प्रदेश। तो बताइए आंसर क्या है। बढ़िया क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट, ठीक है ना, 1,00,000 बार इम्पोर्टेंट। बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका आंसर, राष्ट्रीय रामायण महोत्सव ये हुआ 1 जून से लेकर 3 जून तक, ठीक है ना, ये तो हुआ। इस महोत्सव में 13 स्टेट प्लस 2 देश 2 कंट्रियों ने भाग लिया। वे तो जो कंट्री थी वे कौन कौन सी थी? एक थी इंडोनेशिया और एक थी कंबोडिया। इन 2 देशों ने इसमें भाग लिया, ठीक है ना। अब कहां पर हुआ ये? तो इसका आंसर है छत्तीसगढ़ में हुआ। कहां पर? छत्तीसगढ़ में ये आयोजन किया गया। कौन सा? राष्ट्रीय रामायण महोत्सव। इसमें 13 स्टेट और 2 देश इंडोनेशिया और कंबोडिया ने भाग लिया। अब देखना, पहले छत्तीसगढ़ के देखिए, छत्तीसगढ़ के CM कौन है? भूपेश बघेल। भूपेश बघेल, ठीक है ना। इसके गवर्नर आपको बताना है, ठीक है ना। जब तक आंसर दीजिए गवर्नर का, फिर मैं बताता हूँ। आप जानते हैं छत्तीसगढ़ को एक और नाम से जानते हैं हम, धान का कटोरा कहते हैं इसे। धान का कटोरा, धान मतलब चावल की खेती अच्छी होती है। छत्तीसगढ़ बना कब? आप जानते हैं मध्य प्रदेश से अलग होकर बना था। तो कब बना था? 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ बना। क्लियर है? किससे अलग होकर? मध्य प्रदेश से अलग होकर। अब कुछ रामायण के बारे में फैक्ट देखिए आप। रामायण हम सब जानते हैं, रामायण किसने लिखी है? वाल्मीकि रामायण, ठीक है ना, सबसे पुरानी जो है। पर रामायण का इंग्लिश में अनुवाद किसने किया? इंग्लिश में। रामायण का फारसी में अनुवाद किसने किया? रामायण का तेलुगु में किसने किया? या कहते हैं तेलुगु रामायण, फारसी रामायण, इंग्लिश रामायण, ठीक है ना। तो देखना, इंग्लिश में जो अनुवाद किया था उनका नाम था RT H Griffith, ठीक है ना। तो तेलुगु तो भाषा है, तमिल। फारसी में जो किया था वो अकबर ने करवाया था। फारसी में किसने करवाया था? अकबर ने, पर किसी से करवाया होगा। तो करवाया था अब्दुल कादरी, ठीक है। तमिल में तो तमिल रामायण के रचयिता कहलाते हैं कम्मन, ठीक है। ये रामायण से संबंधित फैक्ट हो गए, क्लियर है ना। तो ये तो इसके आंसर हो गए। तो मैंने आपसे पूछा था कि छत्तीसगढ़ के गवर्नर कौन है, तो आंसर है विश्व भूषण हरिचंदन, हरिचंदन, क्लियर है ना। अब हम क्या देखते हैं, जैसे इंडोनेशिया में रामायण को क्या कहते हैं, कंबोडिया में रामायण को क्या कहते हैं, ये आपको देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। थाईलैंड में रामायण को क्या कहते हैं? तो थाईलैंड में रामायण को कहते हैं रामकियन, रामकियन, ठीक है ना। तो थाईलैंड में रामायण क्या कहलाती है? रामकियन कहलाती है। क्या कहलाती है? रामकियन, ठीक है ना। म्यांमार में रामायण क्या कहलाती है? यमयान, यम यान, ठीक है ना। तो थाईलैंड की रामायण क्या कहलाती है? रामकियन। म्यांमार की क्या कहलाती है? यमयान।
और कंबोडिया की रामायण क्या कहलाती है? तो कंबोडिया की रामायण कहलाती है रिमकर। रिमकर क्या कहलाती है? रिमकर। यह एक और नाम है इसका राम कीरत, ठीक है ना, ये कहलाती है। इंडोनेशिया में रामायण को क्या कहते हैं? इंडोनेशिया में रामायण को कहते हैं काकाबिन रामायण। काकाबिन रामायण कहलाती है कहां पर? इंडोनेशिया में कहलाती है, ठीक है ना। तो थाईलैंड में रामायण को रामकियन, म्यांमार में यमयान, कंबोडिया में रिमकर, ठीक है, इंडोनेशिया में कहलाती है काकाबिन रामायण। अगला क्वेश्चन है हमारा, देश का पहला श्रीराम संग्रहालय कहाँ बनेगा? तो देखना, देश का पहला श्रीराम संग्रहालय कहाँ बनेगा? तो इसका आंसर है भोपाल, भोपाल में बनेगा। इसकी अभी हाल ही में घोषणा की है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कि देश का पहला श्रीराम संग्रहालय बनेगा कहाँ पर? भोपाल में, ठीक है ना। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्लियर है ना। देखिए नेक्स्ट देखते हैं, इससे संबंधित और फैक्ट देखते हैं हम। विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर का क्या नाम है और वह कहाँ पर है? इंडोनेशिया के किस शैलेंद्र वंशीय राजा ने नालंदा विश्वविद्यालय में बौद्ध विहार का निर्माण करवाया था, ठीक है ना। इसका आंसर क्या होगा? इंडोनेशिया के किस शैलेंद्र वंशीय राजा ने नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर है? बिहार में, बौद्ध विहार का निर्माण करवाया था। तो इंडोनेशिया के एक वंश है जिसका नाम है शैलेंद्र वंशीय, ठीक है ना। इसका आंसर बताना है तो इसका आंसर मैं बता दें क्या है, तो राजा का नाम है बाल पुत्र देव। बाल पुत्र देव जो है उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय में बौद्ध विहार बनवाया था, और जो उस समय के बिहार के राजा थे उनका नाम आपको बताना है जिन्होंने बाल पुत्र देव को 5 गांव दान दिए थे बौद्ध विहार बनवाने के लिए। तो कौन से वंश में आया था बिहार में, वह कौन से वंश का राजा था जिसके समय में बाल पुत्र देव शैलेंद्र वंशीय राजा जो भारत आए थे, क्लियर ना, ये आपको देना है। किस वंश के शासन में आए थे, किस वंश के शासन काल में आए थे? तो वह वंश और उस वंश का राजा, ठीक है, वो बिहार का वंश कौन सा था ये आपको बताना है। ऊपर क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर का क्या नाम है? तो आप सब जानते हैं कौन है, अंकुर वाट का मंदिर, अंकुर वाट का मंदिर, ठीक है ना। अंकुर वाट का मंदिर कहां पर है ये? तो ये कंबोडिया, कहां पर है ये? कंबोडिया, कंबोडिया में, कहां पर है? कंबोडिया में अंकुर वाट का मंदिर। अंकुर वाट एक जगह का नाम है वहां पर, वहां पे ये मंदिर है जो विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है। क्या है? विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है ये। अब अंकुर वाट का जो मंदिर है इसका पुराना नाम, तो इस मंदिर का जो पुराना नाम है वह है यशो धरपुर मंदिर, ये इसका पुराना नाम है, ठीक है ना, पुराना नाम, मंदिर का पुराना नाम यशोधरपुर मंदिर। किस नदी के किनारे है? किस नदी के किनारे? तो मिकोंग नदी के किनारे, मिकांग नदी, मिकांग नदी के किनारे है, ठीक है ना। मैं नदी का नाम कुछ कारण से बता रहा हूँ आपको, जिससे कि उसके बारे में भी आपको फैक्ट याद रहे। मिकांग नदी जो है वो साउथ ईस्ट एशिया की, साउथ ईस्ट एशिया की सबसे बड़ी नदी है, सबसे बड़ी नदी है। कैसे है देखना, ये जो मिकांग नदी है ये देखना, चीन ऊपर से देखते हैं, चीन के बाद जाती है म्यांमार, म्यांमार के बाद जाती है थाईलैंड, ठीक है ना। थाईलैंड के बाद जाती है कहाँ पर, ये थाईलैंड के बाद जाती है लाओस, लाओस के बाद जाती है वियतनाम, वियतनाम के बाद जाती है कंबोडिया। तो ये 6 देशों में होकर बहती है ये नदी,
ठीक है ना, इसलिए साउथ ईस्ट एशिया की सबसे लंबी नदी है और निकलती कहाँ से है, तिब्बत से निकलती है, और तिब्बत चूंकि चीन में आता है, ठीक है ना, तो उद्गम स्थल कहाँ पर है, तिब्बत, तिब्बत से निकलती है, ठीक है ना, तो चीन में हमारे थाईलैंड, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया से होकर बहती है, क्लियर है ना। तो कंबोडिया और इंडोनेशिया दोनों के फैक्ट बता दिए मैंने आपको, ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, पेपर में इसको पूछा भी गया है बहुत बार। अंकुर वाट का मंदिर, विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर कौन सा है, अंकुर वाट का मंदिर, जिसका पूरा नाम है यशोधरपुर मंदिर, क्लियर है, भगवान विष्णु को समर्पित मंदिर है। इंडोनेशिया के शैलेन्द्रवंशी राजा ने नालंदा विश्वविद्यालय में बौद्ध विहार का निर्माण कराया था, बाल पुत्र देव, ये थे इंडोनेशिया के राजा, पर किसके किस वंश के समय में आए थे विहार में, वह वंश कौन सा था और उस राजा का क्या नाम था जिसने इन्हें इस बौद्ध विहार को बनवाने के लिए 5 गांव दान में दिए थे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 100 दिन 100 भुगतान अभियान किसने शुरू किया है, 100 दिन 100 भुगतान अभियान किसने शुरू किया है, SBI, RBI, SIDBI, ICICI, बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो आंसर क्या होगा, 100 दिन 100 भुगतान अभियान किससे संबंधित है, देखना ये पहले है क्या, बुक सुनिए आप ध्यान से, तो इसका आंसर बता दें, इसका आंसर RBI है, क्या है, RBI। अब RBI ने क्या कहा है, क्या है ये अभियान, बुक सुनना, RBI ने प्रत्येक जिले, समझ रहे, देश का प्रत्येक जिला, प्रत्येक जिले की प्रत्येक बैंक को निर्देश दिया है, को निर्देश दिया, अब क्या निर्देश दिया, क्या करें, वो 30-100 लावारिस जमा राशि का पता लगाएं और उनका निपटान करें, और निपटान करें, तो क्या दिया है, RBI ने प्रत्येक जिले की प्रत्येक जिले की बैंकों को निर्देश दिया है कि वो अपने पास जमा शीर्ष 100 लावारिस जमा राशियों का पता लगाएं और निपटान करें उनका। अब लावारिस जमा राशि क्या है, अब किसी व्यक्ति के पैसे जमा है, अब वो व्यक्ति खत्म हो गया है लेकिन पैसा तो उसका जमा है, तो अब उसका नॉमिनी कोई होगा, तो पता लगाएं वे रुपए कितने हैं, शीर्ष 100 जितने भी जमा है उनमें शीर्ष 100 निकालना है और फिर उनका निपटान करना है, कैसे करेंगे, तो नॉमिनी है या किसके नाम पे कैसे है, तो उनका निपटान करें, ठीक है ना, जिनका कोई लेन देन नहीं हो रहा और जमा है, ठीक है ना, कोई व्यक्ति जमा कर गया पता नहीं है उसका क्या है क्या नहीं, उनका निपटान करें, ठीक है ना। तो ये RBI ने निर्देश दिए हैं। अब जानते हैं RBI का निर्माण स्थापना कैसे हुई, देखना RBI के बारे में देखते हैं हम, RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो देख लीजिए इसका हेडक्वार्टर पहले देख लीजिए, इसका हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र, क्लियर है ना। अब हुआ क्या, देखना 1920 में एक आयोग बना जिसका नाम क्या था, एक कमीशन बना, यंग कमीशन जिसका नाम एक और क्या कहला है, साई कमीशन। इसने अपनी रिपोर्ट सौंपी कब, 1926 में, रिपोर्ट कब दी इसने, 1926 में, और क्या कहा कि एक केंद्रीय बैंक की जरूरत है हमें, आएगी केंद्रीय बैंक की जरूरत है, इसने सिफारिश करी। तो आगे चलकर 1934 में एक एक्ट आया, इस एक्ट के द्वारा 1935 में RBI की स्थापना 500 करोड़ की पूंजी की, जमा पूंजी के साथ 500 करोड़ रुपए के साथ, ठीक है ना। तो इस तरीके से RBI की स्थापना हुई। तो 1920 में यंग कमीशन, हाई कमीशन आया, ठीक है ना, या एक और इसका नाम हो जाता है हिल्टर यंग कमीशन, उसी को यंग कमीशन भी कहते हैं, साई कमीशन भी कहते हैं,
इस तरीके से आरबीआई की स्थापना हुई। अब आरबीआई के फर्स्ट गवर्नर कौन है? फर्स्ट गवर्नर तो ओसबॉर्न स्मिथ। जिस तरीके से हमारी आरबीआई पहली बार अस्तित्व में आई तो उसका जन्म हुआ, जन्म मतलब बॉर्न हुई, तो बॉर्न, ठीक है ना, आरबीआई का बॉर्न हुआ, तो बॉर्न नहीं, इसके कौन बने पहले गवर्नर, फर्स्ट इंडियन, फर्स्ट इंडियन गवर्नर। तो ये थे सीडी देशमुख, सीडी देशमुख। प्रेजेंट गवर्नर वर्तमान में कौन है? तो शक्तिकांत दास के वर्तमान में है। क्लियर है? हेडक्वार्टर कहां पर है? इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। क्लियर है? तू सब पूछ सकता है इसमें कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, नेशनलाइजेशन ऑफ आरबीआई। तो आरबीआई का राष्ट्रीयकरण आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ 1949 में। कब हुआ? 1949 में, 1949 में। अच्छा एक और कहे, आरबीआई की स्थापना में एक व्यक्ति किताब का भी बहुत प्रभाव पड़ा है कि आरबीआई की जो स्थापना हो रही है किस तरीके से हो, क्या हो उसकी कार्य प्रणाली, तो एक किताब का भी प्रभाव पड़ा है स्थापना करने में। वो किताब कौन सी है और किताब का ऑथर कौन है? देखना, इस किताब का नाम द प्रॉब्लम ऑफ रूपी इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन, ये है किताब का नाम, द प्रॉब्लम ऑफ रूपी इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन। इस किताब का प्रभाव पड़ा है आरबीआई की स्थापना। ये किताब किसकी है? ये किताब है बी आर अम्बेडकर, बी आर अम्बेडकर जी की किताब है, ठीक है ना, किसकी किताब है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी की किताब है। क्लियर है? तो ये आरबीआई के बारे में आप ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, ग्रीन टेक सेफ्टी अवार्ड 2023 किसकी एक पहल है? इस्पात मंत्रालय, ग्रीन टेक फाउंडेशन, पर्यावरण मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय। तो बताइए ग्रीन टेक सेफ्टी अवार्ड 2023 किसकी एक पहल है? बताइए इसका आंसर क्या होगा। बेहतरीन क्वेश्चन है ये, 2 लाख बार इंपॉर्टेंट। बताइए तो ग्रीन टेक सेफ्टी अवार्ड 2023 किसकी एक पहल है? तो पहल भी बताना है और दूसरा ये आप ये को बताना है किसको मिला, किसको दिया गया, किसको दिया गया, ठीक है ना। तो देखना है ध्यान से, ये दिया गया किसको? राष्ट्रीय, तो किसको दिया गया? तो देखिए राष्ट्रीय इस्पात, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, RINL, ठीक है ना। इसको किसको दिया गया? RINL। किस क्षेत्र में दिया गया? तो देखना, सुरक्षा उत्कृष्टता, उत्कृष्टता के लिए दिया गया, सुरक्षा उत्कृष्टता के लिए दिया गया, उत्कृष्टता के लिए दिया गया, बेस्ट परफॉर्मिंग इन सेक्रेटरी में इनको दिया गया RINL को। ये भारत की नवरत्न कंपनी है, नवरत्न कंपनी। अब इससे इंपॉर्टेंट देखना, इसे एक और नाम से जानते हैं, इसे जानते हैं विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र, ठीक है ना, विशाखापट्टनम स्टील प्लांट। क्लियर है? ये जो संयंत्र है एक नाम से प्रसिद्ध है, किस नाम से प्रसिद्ध है? यह है बिजाग स्टील के लिए फेमस है, बिजाग स्टील के लिए फेमस है। कौन सा संयंत्र?
विशाखापट्टनम संयंत्र काय के लिए फेमस है? वीजाग या वाइजाग, ठीक है ना, इस्पात के लिए फेमस है ये, ठीक है ना, मतलब इस्पात है इसका, जिसका नाम वीजा कहीं पे लिखेगा आपको वाइजाग के लिए फेमस है, ठीक है ना। एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट, किस देश की सहायता से बना? तो रूस की सहायता से, रूस की सहायता से का निर्माण किया गया, क्लियर है ना। तो ग्रीन टेक सेफ्टी अवार्ड किसकी पहल है? तो ग्रीन टेक से ही समझ में आ रहा है हमें काय की पहल है, ये ग्रीन टेक फाउंडेशन की पहल है, ठीक है ना, जो सुरक्षा उत्कृष्टता के लिए 2022-23 के लिए RINL राष्ट्रीय इस्पात नेशनल लिमिटेड को ये अवार्ड दिया गया, ठीक है ना। इसका एक और नाम है विशाखापट्टनम इस्पात, ये एक और फेमस है वाइजाग स्टील के लिए या वाइजाग इस्पात के लिए, किस देश की सहायता से बना? रूस की सहायता से बना। मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा ये। इससे इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, देखिए भिलाई इस्पात कारखाना, दुर्गापुर इस्पात कारखाना, राउरकेला इस्पात कारखाना, बोकारो इस्पात कारखाना और इसको इस्पात खाना, किसको इस्पात कारखाना कहाँ कहाँ पर हैं और किस किस देश की सहायता से बने, ये हमें बताना है। तो इनके बारे में बताइए, एक मिनट का समय है, आप बताइए कौन कौन की सहायता से ये बने हैं। हाँ तो देखना, लाई इस्पात कारखाना कहाँ पर है? ये है छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़। दुर्गापुर कहाँ पर है? ये है पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, ठीक है ना। राउरकेला का, राउरकेला इस्पात कारखाना कहाँ पर है? उड़ीसा, ठीक है। बोकारो इस्पात कारखाना कहाँ है? झारखंड, झारखंड। इसको कहाँ है? पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। इसको फिर आ जाता है टिस्को, तो टिस्को कहाँ पर है? टिस्को भी झारखंड में, झारखंड, ठीक है ना। तो ये इनके आंसर हो गए। तो छत्तीसगढ़ में कौन सा है? भिलाई, पश्चिम बंगाल में दुर्गापुर, उड़ीसा में राउरकेला, झारखंड में बोकारो, पश्चिम बंगाल में इसको और झारखंड में टिस्को, ठीक है ना। अब कौन से देश की सहायता से बना है? देखिए कौन कौन से देश की सहायता से ये बने हैं वो देखना। भिलाई जो बना है वो सोवियत संघ की सहायता से बना है, सोवियत संघ की सहायता से बना है। कौन सा? भिलाई इस्पात कारखाना छत्तीसगढ़। दुर्गापुर इस्पात कारखाना जो बना है वो ब्रिटेन की सहायता से बना है, ब्रिटेन, ठीक है ना। राउरकेला जो बना है वो किसकी सहायता? राउरकेला इस्पात कारखाना बना है जर्मनी की सहायता से, और बोकारो इस्पात कारखाना बना है सोवियत संघ, सोवियत संघ। और अभी हमने जो पढ़ा विशाखापट्टनम इस्पात कारखाना, वो रूस के सहयोग से बना, क्लियर है ना। एक चीज का और ध्यान रखना, भिलाई इस्पात कारखाना का एक और भारत का पहला इस्पात उत्पादक संयंत्र, स्टील प्रोडक्शन प्लांट इंडिया स्पष्ट कौन सा है? भिलाई स्टील प्लांट, ठीक है ना। और ये आपने देख लिया, और ये टिस्को, टिस्को का मतलब है टाटा शुरू होता है, ये है झारखंड के जमशेदपुर में, जमशेदपुर कहाँ पर है? जमशेदपुर। और जमशेदपुर को किस नाम से जाना जाता है? टाटा नगर, टाटा नगर, ठीक है ना। क्योंकि ये जो टाटा है उन्होंने ही टिस्को इस्पात कारखाना बनाया है, क्लियर है ना। तो ये भारत के इस्पात कारखाने हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, टेलीलॉ किस मंत्रालय की पहल है? टेलीलॉ किस मंत्रालय की पहल है? संचार मंत्रालय, नीति आयोग, कानून एवं न्याय मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, तो बताइए किसकी पहल हो जाएगी ये। तो देखिए इसका आंसर, टेलीलॉ किस मंत्रालय की पहल है? देखना जी, अभी चर्चा में क्यों आया वो देखना ध्यान से। ये चालू किया गया था क्यों? देखना, ये मुकदमेबाजी जो होती है, मुकदमेबाजी, ठीक है ना, मुकदमेबाजी मतलब जो कोर्ट में केस चलते हैं, मुकदमेबाजी से पहले कानूनी सलाह व परामर्श, परामर्श के लिए
चलिए ये ई ये पहल शुरू की गई, शुरू हुई ठीक है ना, ये पहल शुरू हुई ठीक है ना, मुकदमेबाजी से पहले कानूनी सलाह और परामर्श के लिए चालू किया। अब कानूनी सलाह के लिए आप समझ में आ गया आंसर क्या लग जाएगा, कानून एवं न्याय मंत्रालय ठीक है ना। अब चर्चा में क्यों मना और क्या है इससे संबंधित देखना ये। अब यहाँ कानूनी सलाह कैसे मिलेगी, ये पंचायत लेवल तक की पहल है ये, कि दिल्ली से लेकर उप केंद्र से लेकर ये पंचायत लेवल तक का व्यक्ति जो है ठीक है ना, जो गांव में रह रहा है, जो पिछले तबके का व्यक्ति जो है वो भी इसमें मुकदमेबाजी से पहले इसकी सलाह इसके द्वारा सलाह ले सकता है, और वो भी भारत के किसी भी वकील से ले सकता है जो इससे जुड़े हैं, इस पहल से जुड़े हैं। पर ये होगी कैसे, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉनिक पहल है ये ठीक है, कैसे पहले इससे अभी हाल ही में 40 लाख लाभार्थी लाभान्वित हुए हैं ठीक है ना। तो ये बहुत बड़ा आंकड़ा है कि 40 लाख लोगों ने इस पहल के द्वारा मुकदमेबाजी से पहले कानून सलाह और परामर्श लिया है ठीक है ना। ये जो पहल है 2017 में प्रारंभ स्टार्ट कब हुई, 2017 में प्रारंभ, क्या आ चुका है 2023। सफल होने के कारण इसमें क्या कर दिया, इसका ये कर दिया टेली लॉ ऐप लॉन्च कर दिया, टेली लॉ ऐप लॉन्च कर दिया। अब इसकी सहायता से आप और आसानी से कर सकते हैं ठीक है ना। इसका आंसर हो गया कानून एवं न्याय मंत्रालय ने इसको शुरू किया है, 2017 में स्टार्ट हुई, 2023 में इसका ऐप आया। तो आपसे ऐप से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, टेली लॉ ऐप किससे संबंधित है, किस मंत्रालय के द्वारा चालू किया गया है, क्या है ये मुकदमेबाजी इस पहले कानून सलाह व परामर्श के लिए पहल शुरू की गई, 40 लाख लाभार्थी जो है वो लाभान्वित हुए हैं इससे, क्लियर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 5 लाख बार इंपॉर्टेंट। 50,000 ग्राम पंचायतों में डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया है, तो आप बताइए, सामर्थ अभियान, पीएम आशा अभियान, मिशन कर्मयोगी, राष्ट्रीय गोकुल मिशन, बताइए कौन सा शुरू किया गया है। तो 50,000 ग्राम पंचायतों में डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया है ठीक है ना। देखिए इसका आंसर, तो ग्रामीण एवं पंचायती राज मंत्री कौन है, गिरिराज सिंह, उन्होंने इस पहल को शुरू किया है ठीक है ना, डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए ठीक है। प्रत्येक गांव तक, प्रत्येक घर तक बैंक पहुंच हो जाए और डिजिटल लेन देन हो, उसके लाने ये शुरू किया है। तो इस योजना का नाम क्या है, इस अभियान का नाम क्या है, सामर्थ अभियान, कहाँ है सामर्थ अभियान, यूपी से चालू हो रहा है ये, कहाँ से स्टार्ट होगा, यूपी से स्टार्ट ठीक है ना। जो आज़ादी का अमृत महोत्सव है उसके थ्रू ये चालू किया गया है ठीक है ना, अमृत महोत्सव, अमृत महोत्सव उसके थ्रू इसको शुरू किया गया है, यूपी से स्टार्ट है, यूपी में लखनऊ से स्टार्ट किया गया है ठीक है ना। ये जो केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ये गए थे यहाँ पर, इन्होंने इसकी घोषणा करी, 50,000 ग्राम पंचायतों में डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया है, धीरे धीरे बढ़ के पूरे देश में ये लागू होगा, क्लियर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, हाल ही में किस देश की एल्स्टॉम कंपनी 100 वंदे भारत ट्रेन बनाएगी, तो ये कंपनी किस देश की है, एल्स्टॉम कंपनी जो क्या बनाएगी, 100 वंदे भारत ट्रेन बनाएगी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ठीक है ना, बताइए इसका आंसर क्या होगा। जापान, स्वीडन, फ्रांस और इनमें से कोई नहीं, एक नई कंपनी, नया देश, इनमें से कोई नहीं, ये तो होने ही नहीं है, जापान, स्वीडन, फ्रांस, कौन सा देश की कौन सी कंपनी है, एल्स्टॉम कंपनी जो क्या बनाएगी, 100 वंदे भारत ट्रेन बनाएगी, बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप जानते हैं हमारे देश में भीषण रेल हादसा हुआ है जिसमें बहुत सारे लोगों में, लगभग 300 लोगों की इसमें जान चली गई,
बहुत ही भीषण हादसा हुआ है, इसका आंसर बताइए क्या है। 100 वंदे भारत, इसी के साथ एक और बताइए, वंदे भारत ट्रेन का जनक किसे कहते हैं, किसे कहते हैं, इसका आंसर भी बताइए क्या हो जाएगा। देखिए किस देश की कंपनी है ये, एल्स्टॉम कंपनी 100 वंदे भारत ट्रेन बनाई, तो इसका आंसर है फ्रांस, फ्रांस की कंपनी है एल्स्टॉम कंपनी जो 100 वंदे भारत ट्रेन बनाएगी, ठीक है ना। ट्रेन बनाने के लिए बोली लगाई गई जिसमें सबसे कम बोली लगी थी किसकी, एल्स्टॉम कंपनी की। अब यही ट्रेन बनाएगी क्या, वंदे भारत ट्रेन। और वंदे भारत ट्रेन का जो जनक कहते हैं, एल्युमिनियम की बनती है ये ट्रेन पूरी, ठीक है ना। और ये कौन है जनक, किसे कहते हैं, फादर ऑफ वंदे भारत ट्रेन, सुधांशु मणि, ठीक है ना, इन्हें कहते हैं। इनका ये प्रोजेक्ट था, इनका ये सपना था और इसे साकार रूप मिला वंदे भारत ट्रेन के रूप में, जिसे पहले किस नाम से जाना जाता था, पुराना नाम बताइए इसका, मैंने आपको पढ़ा दिया है पुरानी क्लास में, वंदे भारत ट्रेन का पुराना नाम क्या है, और भारत की पहली बिना इंजन वाली गाड़ी है ये, ठीक है ना। मेक इन इंडिया के थ्रू इसको चालू किया गया है, आत्मनिर्भर भारत बनाने का लक्ष्य है इसके द्वारा, ठीक है ना। आप इसका पुराना नाम बताइए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये मैंने आपसे पिछली क्लास में पूछा था, भारत द्वारा अफगानिस्तान में कौन सा बांध बनवाया गया है, तो आप बताइए कौन सा है, तो आंसर इसका सलमा बांध, सलमा बांध, जिसे हम क्या कहते हैं, एक और नाम से जानते हैं, फ्रेंडशिप डैम, ठीक है ना। नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया था। भारत और नेपाल के बीच कौन सा जो अभ्यास होता है, सूर्यकरण, सूर्य किरण अभ्यास होता है। भारत और नेपाल के बीच कौन सा जो अभ्यास होता है, सूर्यकरण। तो ये हमारे एक क्वेश्चन और बताना आप, भारत और नेपाल के बीच, अभी आप जानते हैं नेपाल के पीएम भारत आए थे, तो उसके ऊपर एक क्वेश्चन बताना, भारत और नेपाल के बीच में भय जो बाउंड्री है, जो सीमा है, वह सीमा क्षेत्र कौन सा है जो सबसे ज़्यादा बिजी और सबसे बड़ा है, ठीक है ना। वह सीमा क्षेत्र, सीमा क्षेत्र जो सबसे बड़ा व सबसे व्यस्ततम का आंसर बताना है आपको, ठीक है। भारत के लोग जो नेपाल या नेपाल के लोग जो भारत आते हैं, भाई कौन वो सीमा क्षेत्र कौन सा है, जो बाउंड्री है, बाउंड्री वाला एरिया कौन सा है जो बिगेस्ट और बिजी रहता है सबसे ज़्यादा, ये बताना है आपको, ठीक है ना। तो ये हमारे आज के क्वेश्चन हुए, ठीक है ना। मिलते हैं ब्रेक के बाद, बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है ना। पढ़ते रहिए, खाते रहिए, ठीक है ना। हर पेपर के हिसाब से इम्पोर्टेंट करेंट है, आप नोट्स बनाइए अच्छे से, जो पुराना है अगर वो याद नहीं आ रहा तो समझिए कि आपने पुराना ठीक से नहीं पढ़ा है, तो अच्छे से पढ़िए, ठीक है ना, जिससे कि सारी चीज़ें जाएँ, अपन क्वेश्चन इस तरीके से लाद जाएँ कि पिछला भी रिवीजन होता रहे, जिससे कि आपको सारा रिवीजन एक साथ ही बना रहे पूरा का पूरा, ठीक है ना। मिलते हैं ब्रेक के बाद।